आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल आप कैसे निकालोगे ऐसी संख्याओं पे जो परफेक्ट रूप में नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि 144 का वर्गमूल है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, बहुत पहले वीडियो डाली थी, और यदि वो वीडियो नहीं मिले आपको तो बता देना, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में जो परफेक्ट रूट नहीं है ऐसी संख्याओं का रूट हम कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सेकंडों में आप निकालोगे बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक है? तो ये देखिएगा, ऐसी चीजों में हमको जो परफेक्ट रूट नहीं है उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का मैं बता दूं। यदि कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए एक आपकी एन प्लस माइनस ए इस तरह से है और ये रूट, ठीक है, जैसे कि मेरे पास में 144 का रूट होता है आपका 12 होता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं 150 का रूट बताइए तो इसका रूट कितना होगा, तो 150 को आप लिख सकते हो 144 प्लस 6, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो 144 है ये आपका n हो गया और ये जो आपका ये a हो गया। तो बात समझ में आ गई, n प्लस माइनस a क्या है। यदि कोई रूट के अंदर संख्या है तो आप उसको प्लस माइनस में लिख दो, या फिर आप इसको 169 से भी घटा सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि 169 का जो रूट होता है वो आपका 13 होता है। यदि मैं आपसे पूछने लगूं 165 का रूट बताओ तो इस 165 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 169 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 4, इस तरीके से लिख सकता हूं ना। 169 में से 4 जाएंगे तो 165 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने ये भी 165 ही है, लेकिन इसका लिखने का तरीका कुछ अलग हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये n हो गया, ये आपका a हो गया। बात समझ में आ गई, n और a क्या होता है कि आपको जो भी रूट के अंदर संख्या दे रखी है उसके नजदीकी रूट में बदलो, यानी कि उसके आगे पीछे कोई तो ऐसी संख्या होगी जो परफेक्ट रूट बन रही होगी, तो वो या तो अगली वाली देखो या पिछली वाली, जो सबसे पहले आ जाए उसे देख लो, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं, रूट एन प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, ये ए आप जो करते हो रहने दीजिए नीचे, 2 रूट एन, ये है आपका इस वाली चीज का, ये आपका फॉर्मूला है, बस बात करें, ठीक है? जैसे मैं आपको अभी अभी आपको मैं बताऊंगा चीजों को, देखिएगा ये मेरे पास में कुछ यहाँ पर लिखी हुई है संख्याएं, इससे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ये 152 है, जैसे कि मेरे पास में ये 152 है, इसका मेरे को रूट बनाना है 152। ये देखो 152 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो रूट बनती है, 152 से आगे है 169, 169 एक परफेक्ट रूट होती है 13 का, और इससे पहले देखोगे तो 144 है जो कि 12 का रूट होती है। तो मैं यहाँ पर इसको कितना लिख सकता हूँ, 144 प्लस कितना 8 लिख सकता हूँ, 144 प्लस 8 ये हो जाएगा 152, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं यहां से क्या करना है, ये आपको पता है 144 किसका रूट होता है, 144 ऐसे करेंगे, देखिएगा यहीं से आपका क्या है 144 आप अलग निकाल देंगे, फिर ये प्लस ये 8 है, और इसको कितना लिख दूंगे 2 √144, ठीक है? फिर से वही इसी रूप में ले आए, या आप ऐसा करिएगा, इतना आप दिमाग मत लगाइएगा, बात खत्म, पहले आप इतना लिख लीजिएगा कि हाँ अंडर रूट ये हो गया। लिखो शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक, पहले आपको इस रूप में बना लिया कि कोई संख्या ऐसी रूप तो होगी उसके आसपास, वो बना लिया, फिर प्लस ये लिख लिया। अब ये देखो ये कितने का रूट है, 144 ये 12 का रूट है, फिर ये प्लस ये 8 है, जो का क्यों लिख लीजिएगा, नीचे इसी संख्या का डबल कर दीजिए, इस संख्या का यहाँ पर डबल कर देंगे तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये 12 है प्लस इसको काट देंगे 8 × 8 = 24, तो 1/3 हो जाएगा। बस आपको अब ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि 1/3 का भिन्न क्या होता है, भिन्न रूप क्या होता है। भाई एक में जब 3 का भाग करेंगे तो 0.333 आता है, ये आप भिन्न जरूर याद कर लीजिएगा, ये जीवन भर काम आएंगी। तो 1/3 की जो वैल्यू होती है वो 0.33 होती है, इसको जोड़ देंगे तो 12.33 आ जाएगा।
कितना आ गया, इसका रूट डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से आप निकाल लोगे, तो मात्र 2 सेकंड में आप निकाल लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 144 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 144 का हो गया 12 प्लस 8 बट्टे कितना हो जाएगा 24, 8 × 8 = 24, 1/3 को 0.33 तो 12.33, इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो जरा, एक और एग्जाम्पल देखो, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अपने अगले सवाल पर देखिएगा। जैसे कि ये वाला सवाल है आपका 333 का, बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से आपको रूट निकालना है। 333 के पहले या 333 के आगे ऐसी कोई तो संख्या होगी जिसका परफेक्ट रूट बनता है, बिल्कुल बनता है, कौन सा होता है भाई? 333 से पहले देखिएगा 324, 324 कितने का रूट होता है आप जानते हो, 324 का रूट 18 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 120 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, तो 333 से पहले कौन सा रूट होता है आपका, 18 का होता है, तो आप लिख दोगे इसको 324, 324 प्लस 9 लिख दोगे 333 हो जाएगा। 333 को हम कितना लिख सकते हैं, 324 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब ये आपको पता ही है कि ये किसका रूट होता है, 18 का रूट होता है, फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये 9 है तो 9 लिख दिया, इसका ही यहाँ पर डबल कर देंगे, 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, 18 का डबल 36 हो गया 18, फिर प्लस इसको काट देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 की जो वैल्यू होती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, 0.25 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18.25। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 में जब 4 का भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो ये आपका रूट निकल कर तैयार हो गया एकदम, है ना लल्लन टॉप। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि समझ में आ रहा है तो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, देखिएगा। अब ये तीसरे नंबर पर देखिएगा, तीसरे नंबर पर क्या दे रखा है, ये वाला है आपका 79 है। अब 79 मान लीजिए, 79 का आपको रूट करना है बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से। 79 के पहले जो रूट बनता है वो 64, 8 × 2 = 64, 8² = 64 होता है, या इससे आगे भी एक रूट बनता है 9 × 81, यानी कि आप 79 को लिख सकते हो 81 - 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इस 79 को हम लिख सकते हैं 81 - 2, क्योंकि 81 का रूट हमको पता होता है 9 होता है, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये 2 है तो 2 लगा दिया, यहाँ पर इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे 9 × 2 = 18 हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 माइनस इसको आप काट देंगे 2 × 1 = 2 और 2 ने बटा रहे, ये 1/9 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, कितना जानते हैं कि 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.111 होती है, आप ऐसे लिख देंगे। अब इसको आपको घटाना है, 9.0000 कर लेंगे और इसको 0.111 घटाना है। कैसे घटाएंगे भाई, आप ऐसा समझ लीजिएगा, यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेंगे, 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 8, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.889, कितना आ जाएगा 8.889। ठीक है, ये आपका आ गया, बात खत्म। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना एकदम लल्लन टॉप सवाल। आगे देख लीजिए, एक और बचा हुआ है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए अब की बार आपसे यदि पूछ लिया जाए कि 633 का आपको रूट निकालना है बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से, 635 के आजू बाजू में देखो कोई ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट रूट बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, 625, 25 का रूट होता है 625, तो आप इसको लिख सकते हो 625 प्लस 10, 635 को लिख सकते हो आप 625 प्लस 10, क्यों, आप जानते हो इस 625 का रूट होता है 25, फिर प्लस ये 10 है तो 10 लिख देंगे अपॉन इस, इसका डबल कर देंगे, 25 का डबल हो जाएगा 50, ये 25 है फिर प्लस 10 × 10 और 10 × 5 = 50, 1/5 हो जाएगा, और 1/5 की वैल्यू आप जानते हो 0.2, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो 0.2, यानी 1 में जब 5 का भाग करेंगे 0.2 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25.2 आ जाएगा, बात खत्म, है ना एकदम। इसी तरीके से आप किसी भी जो परफेक्ट रूट नहीं है ऐसी संख्या का आप वर्गमूल निकाल लोगे।
ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।